अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरा मुनीर और आप देख रहे हैं उस्मान खान टीवी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल है। वीवस पीएमसी की जानिब से एक स्ट्रक्चर वेटेज और डिफिकल्टी लेवल्स का चार्ट प्रोवाइड किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एमडी कैट का एंट्री टेस्ट देने वाले हैं 2022 में। आइए इस चार्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और इसके हवाले से आपको मुकम्मल गाइड करते हैं। वीवस, अगर हम एग्जाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक मुकम्मल एग्ज़ाम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और 3.5 घंटे 3.5 आवर्स की ड्यूरेशन होगी इसकी। 200 मार्क्स का ये 200 इसमें एमसीक्यूज़ होंगे, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ 200। और इसके अलावा आपको इसे पास करने के लिए 65% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे एमबीबीएस के लिए और 55% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे बीडीएस के लिए। व्यूअर्स, अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो बायोलॉजी के 34%, केमिस्ट्री के 27, फिजिक्स के भी 27, इंग्लिश के 9 और लॉजिकल रीजनिंग के 3% MCQs आएंगे और नंबर ऑफ MCQs भी आपको सामने अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। टोटली कंप्राइजेस फॉर 68 नंबर ऑफ MCQs फॉर बायोलॉजी, 54 नंबर ऑफ MCQs फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, 18 MCQs फॉर इंग्लिश एंड 6 MCQs फॉर लॉजिकल रीजनिंग। टोटली ये 200 MCQs बन जाते हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स को मिलाकर। व्यूअर्स, अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 20% MCQs को ईजी रखा जाएगा, 60% को मॉडरेट, जबकि 20% को डिफिकल्ट रखा जाएगा। यहाँ एक और चीज काबिले गौर है कि 70% क्वेश्चंस जो होंगे वो रिकॉलिंग क्वेश्चन होंगे, यानी जो चीजें आपने याद की हैं उसी में से आपसे पूछा जाएगा, जबकि 30% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एप्लीकेशन लेवल के होंगे, यानी आपसे अप्लाइड लेवल पर जाके कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग आपकी जो है उसको परखा जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था पीएमसी की जानिब से जारी करदा चार्ट जिसमें उन्होंने अपने एमडी कैट के टेस्ट के हवाले से कुछ वेटेज और स्ट्रक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। मज़ीद इस तरह की ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल उस्मान खान टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।